नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लड़कों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको मैं लड़कों के लिए एक फेयरनेस की क्रीम आती है जिसका नाम है फेयर एंड हैंडसम। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर क्रीम है लड़कों के बीच में, तो इस क्रीम के बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्रीम क्या सच में आपको गोरापन देती है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप सभी को एंड तक देखना तथा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना ताकि आप हमसे जुड़ जाओ। दोस्तों आप सभी का चैनल, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस क्रीम के बारे में। दोस्तों क्रीम का नाम है फेयर एंड हैंडसम, जो कि मैंने आपको बताई दिया स्टार्टिंग में, और उसकी कंपनी है इमामी। तो मैंने खुद ने भी क्रीम काफ़ी टाइम तक यूज़ की है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी क्या क्या दावे करती है। तो दोस्तों इस कंपनी के दावों के बारे में बात करें तो ये कंपनी बोलती है कि आपका स्वेट कंट्रोल करती है, चेहरे पर पसीना नहीं आएगा, अगर आपके चेहरे पर ऑयल आता तो ऑयल को भी कंट्रोल करती है, आपके चेहरे को धूप से बचाती है, क्योंकि आप सभी को पता लड़के दिन भर बाहर रहते हैं, बाइक्स पे घूमते हैं, दिन भर बाहर का काम करते हैं। मैं ही नहीं बोल रहा कि लड़के नहीं करती, लड़के भी करती है, लेकिन लड़के ज़्यादातर बाहर रहते हैं तो उनको धूप से बचाती है उनके चेहरे को, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हो गए तो उनको कम करती है और विजिबल फेयरनेस देती है। अब इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं एंड में बताऊँगा। तो दोस्तों इंग्रीडियंट्स के बारे में बात करें तो इसमें स्टीयरिक एसिड यूज़ में लिया गया, नाइसिनामाइड यूज़ में लिया गया, एक्वा यूज़ में लिया गया, और भी बहुत सारे इंग्रीडियंट है जो कि यूज़ में लिए गए, काफ़ी डिफरेंट है जो इसमें यूज़ में लिए गए। तो बात करता हूँ कि क्या सच में आपको फेयरनेस देती है। तो दोस्तों पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्वेट कंट्रोल। तो हाँ ये स्वेट कंट्रोल करती है, ऑयल कंट्रोल भी करती है दोस्तों, सन से प्रोटेक्शन ठीक ठाक देती है, इतना अच्छा नहीं, ठीक ठाक देती है, अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए, और डार्क स्पॉट्स को इतना कम नहीं करती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डार्क स्पॉट्स को इतना कम नहीं करती है, अगर आपने यूज़ करी होगी तो आपको भी पता है इतना कम नहीं करती है। और विजिबल फेयरनेस दोस्तों जब लगाओगे चेहरे पे तो एक फ्रेशनेस टाइप हो जाता है, लेकिन विजिबल फेयरनेस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के बाद में भी हल्की फुल्की दिखाई देती है। अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो आपको साथ में स्किन का केयर भी करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको फेयरनेस मिलेगी, लेकिन इतना अधिक फेयरनेस नहीं दे पाती है। चलो फिर भी ओवरऑल क्रीम अच्छी है, ठीक ठाक क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस क्रीम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों एक और चीज़ की स्किन केयर लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी है, लड़कियों के लिए तो जरूरी है ही लेकिन लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी है, तो मैं जल्दी से स्किन केयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके जाया करो दोस्तों, अच्छा लगता है, पसंद आती है कि चलो आपको वीडियो पसंद आ रही तो और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।